अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज आपके साथ मैं जॉनसन की कंप्लीट फेशियल रेंज का रिव्यू शेयर करूंगी। सबसे पहले आते हैं इनका क्लींजिंग मिल्क, जो कि हाइड्रा प्लस एसेंशियल है और ये आपके फेस से इंप्योरिटीज़, मेकअप वगैरह को रिमूव करने में हेल्पफुल देता अगर आप है। बाहर से आए हैं या आपके फेस में मेकअप है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आता है जेंसर प्योरीफाई फेशियल क्लींजर। फर्स्ट वी अप्रिशिएट देयर पैकेजिंग, सील पैकेजिंग के साथ ही आता है। एडवांस वाइटनिंग फार्मूला है, 2-3 मिनट तक फेस पे मसाज करेंगे, देन इसको अपने फेस से रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आती है जेंसर के स्किन पॉलिश 20 वॉल्यूम, मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून व्हाइटनिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सूथिंग लोशन, 2-3 ड्रॉप स्किन पॉलिश। मैंने जस्ट एक हाथ पे अप्लाई करनी थी इसलिए मैंने इतनी क्वांटिटी ली है। आप इसी क्वांटिटी को डबल करके अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो व्हाइटनिंग पाउडर की क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं, बिकॉज मेरी स्किन भी सेंसिटिव है और मुझे अप्लाई करने के बाद ईचिंग हो रही थी। 10 से 15 मिनट तक इसको स्किन पे लगा रहने देंगे, उसके बाद रिमूव कर लेंगे। आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं, ब्लीच की तरह इसने मेरे हेयर्स को गोल्डन नहीं किया, इसने बट मेरी स्किन को एकदम से ब्राइट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है जेंसर क्लेरिफाइंग फेशियल स्क्रब। 4 से 5 मिनट तक इसको स्किन पे रब करेंगे, उसके बाद फेस से रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आती है जेंसर स्किन डिफेंस फेशियल मसाज। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन पे ये ईचिंग कर सकती है। मैंने जब इसका फेस पे अप्लाई किया था तो इसने मुझे काफी ईचिंग की थी, तो आप चाहे तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। लास्ट स्टेप पे आता है जेंसर डिटॉक्सिंग फेस मास्क। इसकी एक थिक सी लेयर अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे और 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ड्राई होने तक, उसके बाद इसको अपनी स्किन से रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आता है जेंसर कॉम्प्लेक्शन फेशियल टोनर। फेशियल करने के बाद मेरी स्किन काफी सेंसिटिव हो गई थी, तो टोनर अप्लाई करने के बाद मुझे काफी ईचिंग हुई थी थोड़ी देर के लिए। फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं, मेरी स्किन इंस्टेंट ब्राइट हो चुकी है दूसरे हाथ की। इट्स माय ऑनेस्ट रिव्यू, थैंक यू सो मच।